फिशिंग अटैक हैकिंग का ही एक मुख्य पार्ट होता है, जिसमें यूजर्स की बेवकूफी का फायदा उठाकर हैकर्स उसकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को चुरा लेते हैं। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं प्रायः लोग कौन कौन सी गलतियां करते हैं जिससे वो फिशिंग अटैक का शिकार हो जाते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। साथ ही चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, फिशिंग अटैक कई तरह के होते हैं, जैसे वॉइस कॉल या मैसेजेस करके यूजर्स को कन्विंस करके उनसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, फिर उनसे यह इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उस इन्फॉर्मेशन का गलत उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फिशिंग अटैक वेबसाइट्स के बारे में, जिसके जरिए आजकल ज़्यादातर लोग हैक हो रहे हैं। दोस्तों, दरअसल फिशिंग अटैक वेबसाइट्स एक आम वेबसाइट की तरह ही दिखती हैं, लेकिन इनका काम अलग होता है। दोस्तों, कोई भी हैकर्स या यूजर्स इन साइट्स पर खुद को रजिस्टर करके एक फिशिंग अटैक साइट्स को जनरेट कर सकता है। दोस्तों, फिशिंग अटैक साइट्स कैसे काम करती हैं और स्टेप टू स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, इन साइट्स पर कोई यूजर्स आता है और खुद को रजिस्टर करके एक लिंक जनरेट कर लेता है। दोस्तों, दरअसल सब काम इसी लिंक का होता है। हैकर्स को पहले यह कंफर्म करना होता है कि उसे क्या हैक करना है। फेसबुक हैक करना है, इंस्टाग्राम, जीमेल, जो भी हैक करना होता है वह सबसे पहले उसको उसका चयन करता है। देन उसका चयन करने के बाद एक लिंक जनरेट कर देता है और इस लिंक को जिसके पास भी शेयर करेगा, और वो बंदा इस लिंक पर जैसे ही टैप करेगा हैकर्स को फेसबुक हैक करना है, तो उसके सामने डायरेक्ट फेसबुक का लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों, दरअसल यही फिशिंग अटैक होता है। वहाँ पर फेसबुक का लॉगिन पेज शो होगा तो कोई भी यूजर समझेगा कि यह इसमें फेसबुक को लॉगिन करना है, तो वहाँ पर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड देकर जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेगा तो वह किसी दूसरे पेज में रिडायरेक्ट हो जाएगा और यहीं पर पूरा खेल खत्म हो जाता है। दोस्तों, वह यूजर जैसे ही दूसरे पेज में रिडायरेक्ट होता है, उस दौरान उसके द्वारा डाला गया आईडी पासवर्ड हैकर्स के पास पहुंच जाता है। हैकर्स उस आईडी पासवर्ड का मिसयूज भी कर सकता है। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि इसमें किसी भी प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं होती है, इसे कोई भी यूजर्स कर सकता है। इसीलिए लगभग 40% हैकिंग फिशिंग अटैक के जरिए ही की जाती है। तो दोस्तों, आज के बाद आपके पास कोई भी ऐसी लिंक आती है जिस पर टैप करने के बाद किसी का लॉगिन पेज शो होता है, तो पहले आप चेक करने के बाद ही उस पर अपना आईडी पासवर्ड डालें, अन्यथा आप गूगल में जाकर डायरेक्ट ही लॉगिन कर लीजिए। किसी के दी हुई लिंक पर लॉगिन कतई ना करें, क्योंकि यह आपके लिए काफी खतरनाक हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। धन्यवाद।